डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। एडमिशन रिगार्डिंग वीडियो है और होप आप एडमिशंस के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो देख पा रहे हैं। आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, हर प्रकार की यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर की जा रही है। और क्योंकि अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं, इस वजह से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सभी स्टेटों की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी, उनके बारे में बात की जाए। तो आज हम उसी को कड़ी में जोड़ते हुए एक और यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन जयपुर राजस्थान की बात हम करेंगे, जिसके अंदर आप एडमिशन लेकर अपनी जो पढ़ाई है आगे कर सकते हैं। जो 10+2 के उन्हें जो बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सभी बच्चों को पहले हमारे चैनल की तरफ से बधाई, और कुछ ही दिनों में उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी घोषणा हो चुकी है कि वे पेपर नहीं होंगे कोविड के चलते। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस में थे क्योंकि पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रही थी सरकार, और फाइनली डिसीजन ले लिया गया और प्लस टू के जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्थगित कर दिए गए। और अब रिज़ल्ट की वेट है, रिज़ल्ट में अब देखें परसेंटेज के बेसिस है, और आगे अब ये भी दिक्कत आ रही है कि भाई एंट्रेंस होगा कि नहीं होगा एडमिशनों के लिए, और परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है तो कैसे ये रहेगी, कितनी हाई कट ऑफ जाएगी, ये सारी विषय के ऊपर हम इस चैनल के द्वारा बात करते रहेंगे आप लोगों से। तो प्यारे बच्चों, जुड़ते रहें चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी वीडियो को देखते हैं तो वो आपस में बच्चों को शेयर करें, जिससे कि उनको इस वीडियो का लाभ जो है लगातार पहुंचता रहे। तो मैं अपने एडमिशन्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेरीज हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और होप आप लोगों को सही लग रहा है। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूं, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज की बात करेंगे कि यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग अंडर ग्रेजुएट में BSc एनिमेशन और BFD, तो ये दो कोर्सेज हैं। और अगर हम यहाँ पर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में यहाँ पर है डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी ये फेमस कोर्स है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर हम बात PG की करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो MBA फैशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे MBA हैं यहाँ पर, जो ये सबसे पहला हमारा कोर्स है। इसके बाद हम करेंगे आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की अगर हम बात करें, तो अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं BSc माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, BA डिफरेंट कॉम्बिनेशन, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA ऑनर्स MA इंग्लिश, BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्सेज। और इसके बाद हम यहाँ पर ही बात करते हैं डिप्लोमा की, तो देखते हैं डिप्लोमा यहाँ पर कौन सा है, डिप्लोमा इन फ्रेंच एंड डिप्लोमा इन योगा। और अगर हम बात यहाँ पर करें PG कोर्सेज की, तो PG में हमारे पास यहाँ पर है MPhil इंग्लिश में, MPhil सोशल वर्क के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, MSc मेडिकल बायो माइक्रोबायोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MA इंग्लिश, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, MA MPhil इंग्लिश इंटीग्रेटेड है ये, और MA PhD इंटीग्रेटेड है। तो ये आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये थी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, जो 10+2 जिन्होंने कॉमर्स से किया है, तो उनके लिए BCom है, BCom अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यही कोर्स है यहाँ पर, PG नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद कॉमर्स के बाद हम आगे चलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड IT की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 90 सीट्स हैं, BTech कंप्यूटर साइंस ऑनर्स विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड लेटरल एंट्री है, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ MBA इंटीग्रेटेड कोर्स, BC है, BC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोलाबोरेशन विथ सेमट्रिक्स, BCA साइबर सिक्योरिटी इन कोलाबोरेशन विथ साइबर क्योर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये सब हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद हम आगे चलते हैं एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या है, BEd है, 100 सीट्स अवेलेबल है, MEd है 25, MPhil एजुकेशन है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं यहाँ पर। और हम आगे चलते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 96, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 60 सीट, सिविल इंजीनियरिंग 60, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60, फूड टेक्नोलॉजी 30, केमिकल इंजीनियरिंग 50, केमिकल एनर्जी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से और भी इसके अलावा 10 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
तो ये इसके बाद हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बाद हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग 60, बीएससी हॉस्पिटल एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 60 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं लॉ की बात करते हैं, लॉ का भी बच्चे करना चाहते हैं तो BBA LLB। कल भी काफ़ी बच्चे कमेंट्स पूछ रहे थे कि BBA के बाद LLB कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 120 सीट्स हैं BBA LLB ऑनर्स, BA LLB ऑनर्स, देन BA LLB ऑनर्स, LLB LLB, और ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम ये तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अगर हम PG की बात करें तो LLM है और PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ है ये हमारे पास। और लॉ के बाद हम बात करते हैं, लॉ के बाद हमारे पास रह जाती है मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर हमारे पास है BCom अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स BBA यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इसके अंदर BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अवेलेबल है। और इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं MBBS की सीट्स हैं जो कि जयपुर यूनिवर्सिटी है, BSc क्लिनिकल रिसर्च, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग अवेलेबल है। काफ़ी बच्चे नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। BSc पैथोलॉजी, BPT एंड MPT इंटीग्रेटेड कोर्स हैं यहाँ पर। तो ये हमारे मेडिकल साइंस के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेडिकल की जो एडमिशन्स हैं वो नीट के थ्रू ही होती हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फार्मेसी, फार्मेसी भी काफ़ी डिमांडेड रहती है, बी फार्मा है 60 सीट, बी फार्मा विथ MBA इंटीग्रेटेड सीट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम PG की बात करें तो PG यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एम फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 सीट, एम फार्मा फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी, देन फार्मा MD फार्माकोलॉजी, उसके बाद MSc मेडिकल फार्माकोलॉजी, ये सब सीट्स यहाँ पर हमारे अवेलेबल है। तो अगर हम बात अब इसके बात करते हैं फार्मेसी के बाद हमारे पास बच जाता है सिर्फ साइंस बच जाती है। तो साइंस की बात हम करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी 36, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc एनिमिनेशन, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, क्लिनिकल डायबिटिक्स क्लिनिकल रिसर्च, और इसके साथ फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हॉर्टिकल्चर ऑनर्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी PG की कोर्सेज की तो PG भी कोर्सेज यहाँ पर डिग्री हमारे पास अवेलेबल है, MD बायो केमिस्ट्री, MSc बायो केमिस्ट्री, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, क्लिनिकल रिसर्च, मैथमेटिक्स, मेडिकल एटोनॉमी, और ये सब कोर्सेज यहाँ पर और अवेलेबल है। तो ये थी हमारी पूरी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं आपके, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज। तो अब हम अगर हम इसकी साइट पे चलें तो साइट पे चलते हैं एडमिशन्स की बात अगर हम करते हैं तो एडमिशन्स की अभी डेट्स जो हैं अभी अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो ये हम जैसे ही इसकी एडमिशन्स की डेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये थी हमारी साइट है जो आप देख पा रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, और ये हमारी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैंने बताई, विस्तृत से जानकारी दी। और एडमिशन्स के बारे में जैसा कि आप जान पा रहे हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन लेकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।